शुक्रवार को गांधी भवन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष कृष्णा टंडन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आनंद कुमार, आकाश शर्मा, संजय शर्मा व डॉक्टर अभिषेक कौशल ने विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज की। बैठक में कोविड 19 के बढ़ते हुए मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। स्वामी पूर्णानंद मेमोरियल चिकित्सालय की ओर से डॉक्टर अभिषेक कौशल के तत्वावधान और कौशल के तत्वावधान में कोविड 19 के बढ़ते हुए मामलों को लेकर एक महीने की ओपीडी मुफ्त लोगों के लिए शुरू की गई। इस दौरान स्वामी पूर्णानंद मेमोरियल चिकित्सालय के डॉक्टर अभिषेक कौशल ने कहा कि अगर लोगों को परामर्श हेतु व टेस्ट हेतु यदि घरों से लोगों के सैंपल एकत्रित करने हैं तो अस्पताल द्वारा घर से कलेक्शन करने पर कोई चार्ज नहीं लिए जाएंगे। गांधी भवन मैनेजमेंट द्वारा इस कार्य हेतु डॉक्टर अभिषेक कौशल की सराहना करते हुए कहा कि आज जहां आपदा की स्थिति में लोग अवसर तलाश रहे हैं, वहां ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ऑक्सीजन कंसल्टेंसी व दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते इसमें पहल करते हुए गांधी भवन सोसाइटी व स्वामी पूर्णानंद मेमोरियल चिकित्सालय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने पिछले वर्ष भी इसी प्रकार लोगों की मदद की है। नमस्कार, जैसा कि अभी आकाश जी ने बताया है कि जो आज हमारी गांधी भवन मैनेजमेंट सोसाइटी की जो मीटिंग हुई है उसमें हमने ये डिसीजन लिया है कि मैं आने वाले एक महीने तक ओपीडी जो है फ्री करूंगा। उसमें जो कोई भी पर्ची का शुल्क जो है वो नहीं देना पड़ेगा पेशेंट्स को। जैसा कि अभी देखा भी गया है कि हॉस्पिटलों में रश होने के कारण जो गरीब लोग हैं या जो लोग हॉस्पिटल में प्राइवेट में अपना इलाज नहीं करवा सकते वो घर पे ही रह रहे हैं और मेडिकल स्टोर्स में जाके जो है दवाइयाँ ले रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, जैसे कि कुछ लोग मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग दो दो तीन तीन बार पेन किलर्स ले रहे हैं, एंटासिड की दवाइयाँ दो तीन तीन बार ले रहे हैं। आज तो वो लोग कोरोना से या किसी और महामारी से बच जाएंगे, परंतु जो इन दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे जो है उन्हें और भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने अपना नंबर जारी कर दिया है, आप हमारे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, फ़ोन पे भी परामर्श ले सकते हैं। और जो आप यहाँ स्वामी पूर्णानंद हॉस्पिटल में आएंगे तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का पर्ची का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आप 9:30 बजे से 5 बजे तक यहाँ हॉस्पिटल चालू रहेगा, आप पर्ची का कोई शुल्क नहीं देंगे। दूसरा, जो लोग अपने रेगुलर टेस्ट करवाते हैं, जो टेस्ट करवाने के लिए जिन्हें हॉस्पिटल्स जाना पड़ता था या फिर जो लोग घरों में भी टेस्ट करवाते थे और जो टेस्ट लेने वाला जो आता था वो होम कलेक्शन के चार्जेस लेता था, तो हमने वो होम कलेक्शन के चार्जेस जो हैं उन पेशेंट्स के लिए ख़त्म कर दिए हैं। जैसे शुगर के टेस्ट जो है रेगुलर बेसिस पे लोग करवाते थे, थायराइड के टेस्ट रेगुलर बेसिस पे लोग करवाते थे, परंतु वो टेस्ट करवाने के लिए डर रहे हैं, हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, इसलिए हमने वो टेस्ट भी के लिए जो हमारे यहाँ से जो लैब टेक्नीशियन जाएगा वो उसके किसी भी प्रकार का वो विजिटिंग शुल्क नहीं लेंगे। दूसरा, हमने ये भी देखा है जैसे कि इस कोरोना की घड़ी में लोगों ने फेसबुक पे बहुत से नुस्खे जो है वो डाले हुए हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले सुना है कि बच्चों ने पीपल का काढ़ा बना के, पत्तों का काढ़ा बना के पी लिया और उन्हें उसकी मौत हो गई। तो ये सब जो नुस्खे हैं वो सिर्फ अब कहीं कहीं बातें हैं, उसका कोई तथ्य नहीं है। तो अगर किसी को भी इस प्रकार में जानकारी चाहिए तो वो बात कर सकता है, फ़ोन पे बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या ये आपके स्वास्थ्य के लिए सही है या गलत है। कुछ चीज़ें जो है आपको भ्रांतियां फैलाती है और लोगों को एक भय के कारण लोग जो है अपना विनाश करा लेते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरा नंबर आप नोट कर लें, 9625620099। आप कभी भी इस घड़ी में मुझे फ़ोन कर सकते हैं और आपको जो है हम ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे। वहीं कमेटी के सदस्य आकाश शर्मा ने बताया कि डॉक्टर अभिषेक ने तो पर्ची के पैसे लेने से भी इनकार किया है और वे इस महामारी के दौरान हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार हैं, जिसके लिए डॉक्टर अभिषेक का फ़ोन नंबर 9625620099 और आकाश शर्मा का मोबाइल नंबर 9418011110 पर कोई भी व्यक्ति संपर्क कर सकता है। आज गांधी भवन मैनेजमेंट सोसाइटी की आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमती कृष्णा टंडन जी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भाग लिया और श्री आनंद जी, संजय शर्मा जी ने और डॉक्टर अभिषेक कौशल जो एमडी आयुर्वेदा है उन्होंने विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज कराई। आपको विदित है कि कोविड 19 के संक्रमण के चलते दिन प्रतिदिन जो है वो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत चिंताजनक है। पिछले वर्ष भी स्वामी पूर्णानंद चिकित्सालय की तरफ से लोगों की मदद की गई थी और इस बार भी
डॉक्टर अभिषेक जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि वो एक महीने तक जो है वो उनकी तरफ से ओपीडी को फ्री रखेंगे और जो लैब में फैसिलिटी दी जा रही है लोगों के लिए, जिसमें सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं घरों से और जो चार्जेस लिए जाते हैं सैंपल कलेक्ट करने के, वो नहीं लेंगे। जब ये विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ तो सोसाइटी ने भी उनकी सराहना की और यह निर्णय लिया गया कि एक महीने तक जो पर्ची ली जाती है हॉस्पिटल की तरफ से, उसमें डॉक्टर अभिषेक जी उस पर्ची के पैसे नहीं लेंगे और 24/7 जो है उनका फ़ोन नंबर उपलब्ध रहेगा लोगों की मदद करने के लिए, परामर्श देने के लिए, और कोई भी व्यक्ति जो है वो उनसे दूरभाष पे भी परामर्श ले सकता है, उनसे हॉस्पिटल में आके भी निःशुल्क जो है वो चेकअप करा सकता है। और लोगों को छोटे छोटे लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते, जो टेस्ट होते हैं उसके लिए भी हमारे हॉस्पिटल का आदमी जो है घरों में जाएगा और उसके लिए चार्जेस जो है बिल्कुल मुफ्त रखे जाएंगे। आज जहां इस आपदा की घड़ी में अवसर तलाश किए जा रहे हैं और आपको विदित है कि दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी गई, ऑक्सीमीटर की कीमतें बढ़ा दी गई, थर्मामीटर की कीमतें बढ़ा दी गई, इस बारा भी हमने प्रशासन से और प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि कीमतों को नियंत्रित किया जाए ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। दूसरी तरफ से हमने भी अपना फोन नंबर जो है वो जारी किया है प्रेस रिलीज के माध्यम से। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर का वर्क हो, कोई किसी को भी ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है और उनको ज़रूरत है हमारी, तो डॉक्टर अभिषेक जी का नंबर भी और मेरा नंबर भी जो है उपलब्ध रहेगा और हमेशा हम जो है सोसाइटी की तरफ से और स्वामी पूर्णानंद हॉस्पिटल की तरफ से लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। मैं डॉक्टर अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा, जो MD आयुर्वेदा है और स्वामी पूर्णानंद हॉस्पिटल के चिकित्सक हैं, कि आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है लोगों की सहायता करेंगे। वहीं डॉक्टर अभिषेक कौशल ने बताया कि हाल ही में देखने को आया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया से काढ़ा बनाने की विधि से काढ़ा बना रहे हैं, जिससे एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी प्रकार की सहायता या परामर्श चाहिए तो वे दिए गए नंबरों पर कभी भी कॉल कर सकते हैं और उनकी पूरी सहायता की जाएगी।